हाँ जी व्हाट्सएप जतिन सबरू कह रहे हैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यार, चैनल को आपने 2 महीने में 1 लाख से ज्यादा पहुंचा दिया ये प्यार, अब तो 1,10,15,000 क्रॉस हो गया है। तो हमने कहा था जब वीडियो बना कि आपके कुछ सवालों के हम जवाब देंगे, बहुत सारे सवाल आए हैं जिनमें से कुछ हमने पिक किए जो जा रहे हैं इस हेलमेट में। अब लकी ड्रॉ होगा, इस हेलमेट से सवाल निकलेंगे कुछ और उनके मैं जवाब दूंगा, मे बी अलग अलग लोकेशन से क्योंकि काम चल रहा है। तो फिर एक बार फिर से थैंक यू, आग लगा दी हमने चैनल पे यार, इतनी जल्दी 1 लाख करा दिया, अब करा दो आगे, बढ़ने दो, आपका चैनल है, आपका बंदा है और आज आपके सवालों के देने वाला है जवाब। यार मेकअप रूम में लाइट बड़ी अच्छी आती है तो फेस जो है वो थोड़ा और अच्छा दिखता है। वैसे आई रियली डोंट लाइक माय सेल्फ ऑन कैमरा, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं अपने आप को टीवी पे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं अपने कंटेंट को भी हमेशा गालियां देता हूँ। जब भी मैं कोई शो करके आता हूँ वापसी में अगर देख रहा होता हूँ हमेशा बोलता हूँ ये क्या बोला यार, ऐसे बोल सकता था, वैसे बोल सकता था, लेकिन लाइव होता है तो लाइव में जो दिखता है यू हैव टू इमीडिएटली पिक इट अप। एनीवे क्वेश्चंस पे आते हैं, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट, हेमंत ढोलू का ये सवाल है, थैंक यू माय ब्रदर, आपके व्लॉग्स बड़े अमेजिंग है, इन्फॉर्मेटिव है एंड वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। हाँ यार थोड़ा शूटिंग करने का टाइम कम मिल रहा है बट आई विल be making more of them. Mera question hai ki aapke favorite commentator kaun the, who did you look up to while growing up? Very nice question Hemang, thank you for it. Yaar Harsha Bhogle to har ghar ka naam ban chuke the lekin main Alan Wilkins ko dekh ke sochta tha ki kya banda hai yaar, ye cricket karte hain, ye tennis karte hain, ye rugby karte hain, ye koi bhi sport karte hain aur main chahta tha ki main na bahut sare sports karu, and because I loved all sports, cricket obviously pehla pyar tha lekin I used to love all sports, school mein javelin discus sab kuch khelte the, sab karte the, so main Alan Wilkins ko dekh ke ye karta tha aur pehle 5 saal jo maine kaam kiya ESPN Star Sports mein wahan pe maine moto स्पोर्ट्स करी, मैंने राजस्थान गुजरात में रैली करी, मैंने पहाड़ों पे कारगिल तक रैली करी, सो आई डिड मोटर स्पोर्ट्स, मैंने इंडिया में पहली F1 कवर करी, मैंने 10 पिन बोलिंग होती है ना जिसके लिए आप बोलिंग वाले जाते हो, मैंने उसके नेशनल्स में कमेंट्री करी और शो प्रेजेंट किया, एंड मैं सिंगापुर गया था 2011 में जहां पे स्पोर्ट्स सेंटर होता था, तो मैं स्पोर्ट्स सेंटर के शो होस्ट करता था और वहां पे क्योंकि मैं था उन्होंने कुछ मैचेस फुटबॉल के FA कप भी मेरे से कराए रात को, तो वो करने में बहुत मजा आया। लेकिन द बिगेस्ट टूर्नामेंट जो मैंने कवर किया है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं है, वो एक्चुअली लंडन ओलंपिक्स है 2012 के, इंडिया वाज डूइंग वेल, माय फर्स्ट ओलंपिक्स, बॉस वर्ल्ड इवेंट कोई होता है तो ओलंपिक्स है, एंड आई कैन नॉट टेल यू क्या फीलिंग होती है। वो 2 हफ्ते शायद रात को 2-2, 3-3 घंटे हम सोते थे मैक्सिमम, लेकिन फील ही अलग, टूर्नामेंट ही अलग। सो या looked up to Alan Wilkins and got to do a lot of that stuff. एक क्रिकेट मोमेंट यू वुड हैव लव्ड टू कॉल, मयंती लांगर की किसी भी शो की कोई भी मोमेंट अगर मुझे कॉल करने को मिल जाए तो सीन ही अलग है। बट प्रियांशु सेन गुप्ता ने सवाल पूछा है, मे कम हियर, यू कैन ऑल्सो आंसर दिस, एक क्रिकेट मोमेंट अगर इफ यू डूइंग कमेंट्री, व्हिच क्रिकेट मोमेंट वुड यू लाइक टू कॉल, व्हिच क्रिकेट मोमेंट वुड आई हैव लाइक टू कॉल, आई थिंक 2017 T20 वर्ल्ड कप, 2017 T20 वर्ल्ड कप, फाइनल इन द श्रीसॉन्ग टेक्स इट यार, एक्चुअली वो मोमेंट्स रवि भाई ने इतने अच्छे से कॉल करी है कि हम बोल भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। बट एक्चुअली उस वर्ल्ड कप में, इन दैट वर्ल्ड कप आई वाज वर्किंग फॉर अ मोबाइल प्लेटफॉर्म, उस टाइम आता था ना वोडाफोन और एयरटेल पे, डायल 566 फॉर कमेंट्री और हम वो कमेंट्री करते थे, एंड आई कॉल दोस 666, बट द मोमेंट आई वुड एक्चुअली हैव लव्ड टू कॉल सचिन पाजी लास्ट टेस्ट मैच, when he walked out to bat one final time and when he went back, main tha us ground pe commentary nahi karta tha, but that is a moment that I would have loved to call. Okay, thanks good for joining question. Us buddy, very good question Priyanshu, well done. Bye guys. And one final question, your outlook towards the fame that you've received, are kaun sa fame bhai and what keeps you grounded, co-workers like this one yaar, hum sabko lagta hai ki ye fame jo hai na, it's just I feel very awkward, main abhi bhi agar koi selfie lene aata hai mere paas, agar aap kabhi aao aap realize karoge main bada awkward ho jata hu yaar, mujhe lagta hai mere sath kyu photo chahiye kisi ko, but so that's how, mere ko lagta hai एक एक्सटेंशन है जर्नलिज्म जो होता है हम वो ही करते हैं एंड उसका एक्सटेंशन है, सो आई डोंट रियली थिंक वो सेलिब्रिटी फेम वगैरह वो बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं, सो वैसे आप सोचोगे नहीं तो वो सर में चढ़ता नहीं, अगर कभी मैं क्रिप करता हूँ ये क्या हो रहा है तो मेरी वाइफ बोलती है कि भाई साहब इंडिया में पीपल विल गिवन आर्म एंड अ लेग टू डू व्हाट यू डू, सो शट अप, डोंट कंप्लेन एंड गो टू वर्क। तो आसपास वाले जो है ना मेरे दोस्त नहीं बदले, मेरे अभी भी जो दोस्त हैं जो बचपन से स्कूल और कॉलेज के, दोज आर स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत और बड़े हैं, यू नो प्रोफेशनल वर्कर, कोवर्कर्स, स्टार स्पोर्ट्स में इतने कमाल के लोग काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एंड उन सबको मैं ये बोलता हूँ कि ये जो मेरे को आप प्यार दे रहे हो ये रिकॉग्निशन उसके हकदार उतने ही वो भी हैं, फ्रॉम कैमरा से लेके साउंड से लेके कंटेंट से लेके, सो वी ऑल वर्क एज अ टीम, और कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि आप शो को चला रहे हो या आपके बिना शो नहीं चल सकता, सो आई डोंट थिंक लाइक दैट, तो फेम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सो दैट इज योर आंसर। ओके अब मेरी कॉमेंट्री है, उसके बाद मैं बाकी और क्वेश्चन आंसर करूंगा, बट यू डोंट वरी ये पार्ट एडिट हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन अभी आ जाएगा। Wow.
One shift later. बहुत जबरदस्त साउंड प्रूफ रूम मिल गया मेरे को, तो कुछ questions हम यहाँ पे लेते हैं. ये कौन सा question है? Congratulations जतिन भैया for 100K. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ of your hosting and how you present any topic. मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो करती आ रही हूँ. My question is, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी? How did Star Sports approach you? And any difference between जतिन सप्रू जो शुरुआत के दिनों में थे और अब? How has this field changed your life? Shubhi का ये सवाल है. Shubhi, thank you very much. बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सफर को फॉलो करने के लिए. उम्मीद कराता हूँ ज्यादा सफर नहीं करा मैंने आपको. मेरे करियर की शुरुआत, तो जैसे शायद आपने बाकी जगह सुना हो या पढ़ा हो, बहुत ये बार सवाल पूछा जाता है. तो मैं 10th तक एक अच्छा स्टूडेंट था और मैं क्रिकेट भी खेलता था, स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट थोड़ा सीरियस हो रहा था. 11th में मैंने साइंस ली क्योंकि मेरे मॉम डैड का मानना था, डैड का, कि इंजीनियरिंग करके यूपीएससी के एग्जाम्स चाहते थे वो मैं दूं. तो मुझे भी लगा कि बहुत अच्छी वो फील्ड है. लेकिन 11th में मैंने साइंस ली और मेरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस की वाट लग गई बिकॉज मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता था. एंड सडनली फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट आई बिकेम एन एवरेज स्टूडेंट. मेरा कॉन्फिडेंस गिरता रहा, मेरा खेलना बंद करा दिया गया. एंड उसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी की, लेकिन मैं बहुत, मतलब ऑलमोस्ट, अब जब सोचते हो ऑलमोस्ट डिप्रेसिंग एक थोड़ा फेज था. ऐसा नहीं कि मेरे मॉम डैड ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं खुद को चैलेंज कर रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, बट मे बी आई वॉज नॉट मेड फॉर इट. उसके बाद इंजीनियरिंग की बहुत एंट्रेंसेज में मेरा कहीं एग्जाम हुआ नहीं अच्छा. एंड मैं मन में रियलाइज कर चुका था कि ये मेरे बस की बात नहीं है. फिर मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरुआत करी. 6 महीने में 2 बार फेल हुआ और मेरे डैड ने कहा कि और ट्राई करो, हो जाएगा. लेकिन उनको उम्मीद थी, लेकिन मैं जान चुका था कि अगर मैं ये करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैं जिंदगी में कहीं नहीं जाऊंगा. तो मैंने इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट किया. घर पे थोड़ा तनाव था लेकिन आई वॉज कमिटेड. तो फिर मैं ये सोचा था कि मैं करूं क्या. और उस टाइम यू नो ये 2002 की बात है, तो उस टाइम इतनी फील्ड्स नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतने ऑप्शंस नहीं थे. लेकिन मुझे 2 चीजों का शौक था. एक मुझे थोड़ा स्केचिंग का बड़ा शौक था, तो मैंने सोचा चलो फैशन डिजाइनर बनेंगे, जो कि विच वॉजंट रियली टेकन वेल. और उनके कॉलेजेस बहुत महंगे थे, उतने पैसे थे नहीं मेरे पास, हमारे पास. फिर मैंने जो दूसरी मेरी फील्ड थी, मुझे लिखना, स्टोरीज वगैरह एंड लिटरेचर का काफी शौक था. एंड जर्नलिज्म में मेरा एक बड़ा इंटरेस्ट पहले से था, लेकिन मैंने कभी इस फील्ड के बारे में सोचा नहीं था. मैं इलेक्शंस, पॉलिटिकल फील्ड को बहुत ज्यादा फॉलो करता था. इलेक्शन में अपने नोट्स बनाता था डॉक्टर प्रणव रॉय, एनडीटीवी, योगेंद्र यादव, इन सब को देख के. तो जर्नलिज्म ऑलवेज अट्रैक्टेड मी. तो मैंने फिर जर्नलिज्म की एक एंट्रेंस का एग्जाम दिया. एंड आप मानेंगे नहीं, मैंने उतनी तैयारी की नहीं थी, लेकिन मेरी रैंक बहुत अच्छी आई और वहां से वो कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ. एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ एंड वहां पे यार मैं थोड़े कम एफर्ट के साथ भी इतने अच्छे नंबर आ रहे थे. तो धीरे धीरे मेरे अंदर का वो कॉन्फिडेंस आता गया. मैंने लाइफ के बारे में आगे कुछ नहीं सोचा था, बट आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉयिंग माई सेल्फ. हम वहां पे न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करते थे, हम वहां पे रेडियो शो चलाते थे और मैंने 6-7 महीने के बाद जितनी ये पार्ट टाइम जॉब्स मिलती थी सब करनी शुरू कर दी थी. तो वहां से मैं एक जगह पहुंचा जहां पे वो मोबाइल फोन में कॉन्टेंट आया करता था, एयरटेल में, वोडाफोन में. तो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, वहां पे मेरी पार्ट टाइम जॉब लग गई. 7,000 रुपए की नौकरी थी, दिन में कॉलेज, शाम को मैं वहां जाया करता था, स्पोर्ट्स की स्क्रिप्टिंग होती थी. तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये करूंगा. हम तो स्टेप बाय स्टेप जिंदगी जी रहे थे. लेकिन फिर ESPN स्टार स्पोर्ट्स होता था पहले, उनका एक कॉम्पिटिशन था ड्रीम जॉब. वो ड्रीम जॉब एक रियलिटी शो था जहां पे एक जने को वो जॉब मिलनी थी जो हर्षा भोगले करते थे या एलन विल्किंस करते थे. तो उस शो में मेरे दोस्त ने बोला कि यार अप्लाई करो. मैंने कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा. रियलिटी चेक था, मुझे नहीं लगता था कि आई एम दैट गुड इनफ. एंड पर उसने मजबूरी नहीं, मेरे को धक्के दे के ऑडिशन कराया. ऑडिशन किया, पहले राउंड में सेलेक्ट हो गए. वहां पे गया सिटी ऑडिशन के लिए, हजारों की तादाद में लोग आए थे, लेकिन मेरा 10वां या 12वां नंबर था. रवि शास्त्री जज थे, मंदिरा बेदी थी और ESPN स्टार स्पोर्ट्स की एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर सिंगापुर से आई थी. तो वहां मैं पहले राउंड में सिलेक्ट हुआ, टॉप 18 में पहुंच गया. फिर मुझे लगा कि ये कहानी थोड़ी सीरियस हो रही है. एंड मैं रियलाइज करता गया कि मैंने जितनी छोटी 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 जॉब्स करी थी उन सबका मुझे फायदा हो रहा था, क्योंकि सीख इतनी अलग अलग चीजों की थी. तो वहां पे काफी सारे राउंड थे, रियलिटी शो था, टीवी पे भी आया और मैं जीत गया. और फिर मेरी जॉब लग गई ESPN स्टार स्पोर्ट्स में. पहले 3-4 साल बहुत प्रोडक्शन का काम किया, कैमराज उठाए, ट्राइपॉड उठाया. हम खुश थे क्योंकि हम सीख रहे थे. उस टाइम भी मैंने इतने लाइव शोज नहीं किए थे, लेकिन बैकएंड में सब कुछ सीखा. और पहला जो बड़ा टूर्नामेंट मैंने होस्ट किया था वो 2012 में था, T20 वर्ल्ड कप. बट हम खुश थे क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड था. मैं क्रिकेट फील्ड पे जा रहा था, खिलाड़ियों से बात कर रहा था, इंटरव्यूज कर रहा था और इतना कुछ सीखने को मिल रहा था. लेकिन तब भी ये नहीं था कि मेरे को तो एक दिन कमेंटेटर बनना है, दिस एंड दैट. आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द फील्ड. तो मैं सबको यही कहता हूं कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो इस फील्ड को एंजॉय करने के लिए आओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ. एंड बहुत बड़ी एकदम वो टारगेट मत रखो. बहुत कुछ है इस फील्ड में करने के लिए. कैमरा का है, इंजीनियर्स का काम है, टेक्नीशियंस का काम है, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं. हम सिर्फ पर्दे पे दिखते हैं, लेकिन यहाँ स्टार स्पोर्ट्स में इतने कमाल के लोग काम करते हैं जिन्होंने ये चांस दिया मेरे को अब कमेंट्री के लिए भी 2-3 साल पहले. सो आई एम ग्रेटफुल. मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन स्टेप बाय
स्टेप, मुझे 14 साल लगे हैं आने में, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। सो मैंने बहुत लंबा ही आंसर दे दिया, लेकिन दैट वॉज माई जर्नी। एंड यही मैं सबको कहता हूँ कि जर्नी में बहुत सारे इनिशियल स्टेप्स हैं, तो जहां भी शुरू करना है छोटा स्टार्ट करो, किसी न्यूज चैनल में, किसी न्यूज पेपर ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंटरनेट पे वीडियोज बनाने शुरू करो, और जहां भी कोई मौका मिले नौकरी पे लग जाओ। कोई बदलाव मेरे में कोई बदलाव नहीं आया, आई एम अ मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। वो तब से ही आ गया था जब मैं जर्नलिज्म की फील्ड में आ गया था, लेकिन उसके अलावा मेरे में कोई बदलाव नहीं आया, ना मैं उम्मीद करूंगा कि कभी आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स बीन योर टफेस्ट मोमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग? एहसान जमाल का ये सवाल है। टफेस्ट मोमेंट शायद सबको लगेगा, एक बार शोएब अख्तर मेरे पे शो पे गुस्सा हो गए थे, लेकिन मैं उसको टफेस्ट मोमेंट नहीं मानता। वो हमारी रैपो और कैमराडरी बहुत अच्छी थी, ऑफ द कैमरा वी स्टिल ओके, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जैसे कैमरा कटा, लेकिन आई थिंक क्या टफेस्ट मोमेंट थी जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी। मैंने IPL लेट ज्वाइन किया था, मेरे डैड को बहुत सीरियस कोविड हुआ था, वो ICU में थे, गॉड ब्लेस द डॉक्टर्स एंड ऊपर वाले की दुआ थी दैट ही सर्वाइव्ड। लेकिन उसके बाद जब IPL चल रहा था, सब जानते थे कि कहानी बहुत खराब हो रही है बाहर, और हम कमेंट्री करते थे उसके बीच में, किसी जान पहचान वाले का कोई मैसेज, किसी का कोई ना कोई हमेशा या हॉस्पिटल में था या किसी को कोविड हुआ था। तो वो 8 से 10 दिन जो थे इसके पहले कि IPL सस्पेंड हुआ, विच वॉज अ फैंटास्टिक कॉल जो BCCI ने बहुत सही टाइम पे ली एंड बहुत अच्छी कॉल ली, लेकिन वो जो कुछ दिन थे ब्रॉडकास्टिंग के, वो दिमाग खेल में था ही नहीं। घर में बहुत कुछ गुजर रहा था, बहुत परिवार वाले बीमार पड़े थे और बहुत डर था अंदर। तो लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि हम आते हैं TV पे, लेकिन हमारी भी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही होती हैं, जैसी शायद आप सबके। सो वो सेकेंड वेव जो कोविड की थी, उसके दौरान जो ब्रॉडकास्टिंग थी, वो सबसे टफ फेज था। सारांश का सवाल है, कांग्रेचुलेशन सर, आई वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एज वेल, कैन यू गाइड मी? आई एम इन 12th स्टैंडर्ड गिविंग माय बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले तो सारांश, अच्छे से पढ़ाई कर, 12th स्टैंडर्ड में नंबर जितने आए बस अच्छे से पढ़ाई करना, जो नंबर है वो आ जाएंगे, जिंदगी नंबर से नहीं चलती, लेकिन जो सब्जेक्ट्स पसंद है थोड़ी मेहनत जरूर करना। एंड इस सवाल का जवाब मैंने अभी दिया है, जो एक सवाल शुवी ने मेरे से पूछा था, उस पूरे मेरे करियर की जो कहानी है उसमें उम्मीद करता हूं कि आपको भी अपना जवाब मिल गया। पर बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी करा, नंबर नंबर के डरना मत, टेंशन नहीं लेके जाना बोर्ड्स का। मेरे बोर्ड्स में बेस्ट ऑफ फोर जो थी वो 60% बनी थी बड़ी मुश्किल से। सो डोंट वरी, बट या आई होप यू डू मच बेटर देन आई डिड इन बोर्ड्स। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सवाल है, हाउ डिड यू कोप विद द फैक्ट दैट इन योर अर्ली डेज कमेंट्री बॉक्स के अंदर आप एक फॉर्मर क्रिकेटर नहीं थे? अच्छा सवाल। मैं तैयार था, मैं अपने मन में बहुत तैयारी करके गया था, और क्योंकि इतने सालों से काम कर रहा था तो मोस्टली जितने भी मेरे को कमेंटेटर्स थे वो जानते थे कि मैं मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ, और वो जानते थे कि मैं अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करूंगा। मैंने कभी वो बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी कि मैं एक्सपर्ट हूँ। और लेकिन स्टार्ट में मैं थोड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछता था, जो चीज ऑब्वियस भी दिख रही है मैं उसको क्वेश्चन में पूछता था। और वहां पे द ग्रेट कपिल देव मेरे साथ एक दिन कमेंट्री कर रहे थे, और उन्होंने ब्रेक में मेरे को बोला कि तू यहाँ पे एक रीजन से आया है, एक रीजन की वजह से यू हैव मेड इट हियर, अपने आप को डाउट मत कर, डोंट मतलब एक्सपर्ट नहीं बनना और वो तू बनेगा भी नहीं, लेकिन अपने आप को डाउट मत कर, यू नो द गेम, यू आर वॉचिंग द गेम, तो गेम को कॉल कर। और वो एक पीठ जो उन्होंने थपथपाई थी ना, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और जितने भी हैं हमारे ऑल को कॉमेंटेटर, जितनों के साथ भी मैंने काम किया है, उन्होंने कभी ऐसे फील नहीं कराया ना मैंने कुछ बाउंड्रीज क्रॉस की हैं। सो देव गिवन मी द रिस्पेक्ट, एंड मे बी क्योंकि इतने सालों से देव सीन की मैं इसी फील्ड में हूं, मैं पहले ग्राउंड पे था जब ये सब खेल रहे होते थे, जो अब रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उन्होंने देखा है कि मैं ग्राउंड पे क्वेश्चन पूछा करता था, यूज टू डू दोज इंटरव्यूज, उसके बाद शोज करता था। सो दे नो दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस क्रिकेटिंग थिंग, एंड दे रिस्पेक्ट माई हार्ड वर्क एंड माई नॉलेज, एंड जो मैं हमेशा सीखना चाहता हूं। तो आप रिस्पेक्ट ये कमाते हो। सो आई थिंक जब मुझे कॉमेंट्री मिली तब तक मैं थोड़ा तैयार था, इसीलिए आई ऑलवेज से कि स्टेप बाय स्टेप, एंड कपिल पाजी की वो एडवाइस और वो पीठ थपथपाना, दैट meant the world to me। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल अगर नहीं ले पाया, उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़े सिमिलर थे और आपको उनमें जवाब मिल गया, लेकिन कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। जो भी कमेंट करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, दिल से आप सबको शुक्रिया। ये परिवार जो है YouTube पे, मेरे चैनल पे, ये आप सब उसका एक हिस्सा है और वो मैं महसूस करता हूँ। तो बढ़ने दो परिवार, परिवार और प्यार जितना बढ़े, नहीं नहीं मतलब परिवार तो बहुत होते हैं बच्चे अगर आप सोच रहे हो, लेकिन ये ऑनलाइन कम्युनिटी में परिवार को बढ़ने दीजिए। आई विल डू दिस अगेन, थोड़ा लाइव सेशन भी करेंगे और IPL के बाद और टाइम मिलेगा और व्लॉग्स बनाऊंगा, लेकिन तब तक अच्छे इंटेंट के साथ अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे, ये वादा है। बट थैंक यू सो मच, 100K उससे आगे निकल गए आप, तो अब नेक्स्ट करेंगे 500K पे, तो पहुंचा दो 5 लाख पे।